महोबा के पूर्व एसपी और आईपीएस मनीलाल पाटीदार को यूपी पुलिस की एक गलती के कारण कोर्ट से जमानत मिल गई है। पाटीदार पर महोबा के एक व्यापारी को आत्महत्या के लिए उकसाने और रंगदारी मांगने का आरोप है। कारोबारी की मौत के बाद से ही पाटीदार फरार हो गए थे। 2 साल तक यूपी पुलिस के हाथ न आने वाले मनीलाल पाटीदार ने पिछले साल अक्टूबर में आत्मसमर्पण किया था। जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने पाटीदार को 1-1 लाख की 2 जमानत और 1 लाख का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। हालांकि अभी पाटीदार को जेल में ही रहना होगा। उन पर 2 अन्य मामले भी दर्ज हैं। 2014 बैच के आईपीएस अफसर पाटीदार को 29 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। क्या है नियम? गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर पाटीदार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाना था, लेकिन पुलिस पाटीदार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रही। चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर 6 जनवरी को पाटीदार की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसके बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इस तरीके के मामलों में अगर 60 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार मिल जाता है। पुलिस पर सवाल। उत्तर प्रदेश के इस चर्चित कांड में पुलिस की इस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी पुलिस के कुछ आला अधिकारियों पर पाटीदार की मदद के आरोप लग रहे हैं। ये पूरा मामला महोबा के स्टोन क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या से संबंधित है। क्या है पूरा मामला? इंद्रकांत ने 7 सितंबर 2020 महोबा के तत्कालीन एसपी मनीलाल पाटीदार को लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसमें इंद्रकांत ने आरोप लगाया था कि एसपी ने 6 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। वीडियो सामने आने के बाद 8 सितंबर को इंद्रकांत अपनी कार में जख्मी हालात में मिला था। इंद्रकांत के गर्दन के पीछे की तरफ से गोली लगी थी। इसके बाद पाटीदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में इंद्रकांत की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इंद्रकांत की मौत के बाद से ही तत्कालीन महोबा एसपी मनीलाल पाटीदार फरार हो गए थे। यूपी पुलिस भी अपने फरार आईपीएस को 2 साल तक लगातार कई कोशिश के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। पाटीदार पर पहले 50,000 का इनाम रखा गया था, फिर इनाम को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। इनाम की राशि को बढ़ाने की तैयारी चल ही रही थी, तभी पाटीदार ने अक्टूबर में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। तब से वो जेल में ही है।